हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बना रहे हैं लौकी का रायता। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और इसे बनाने में हमारी सासू माँ जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने दो लौकी को काट लिया है छोटे टुकड़ों में। तो अब ये लौकी डाल देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर मैंने सारी लौकी इसमें डाल दी है, और अब हम चम्मच की सहायता से एक बार मिक्स कर देंगे इसे। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर उबाल लेंगे। हमारी लौकी जो है काफ़ी सॉफ्ट होने तक हम इसे उबाल लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में एक चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, और राई के दानों को मैंने बाट लिया है, पाउडर बना लिया उसका। तो ये डाल दिया इसमें, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। और अब इसमें मैंने एक कटोरी दही डाल दिया है, और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च। इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको इसी तरीके से 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हमारा जो दही वाला मसाला है ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब हमारी लौकी को हम चेक कर लेते हैं। तो ये अभी तक अच्छे से नहीं पकी है, तो अब हमें थोड़ा और पकाना है इसे। 5 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पर पका लिया है, लेकिन 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसमें लौकी को जो है अच्छे से पकाना है हमें। तो ये देखिए हमारी लौकी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और पानी को नीचे दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और लौकी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अब हम इस तरीके से जो है लौकी को निचोड़ लेंगे दोनों हाथों की मदद से, और इसका सारा पानी निकाल लेंगे हम। आप चाहो तो इस तरीके से इसे निचोड़ने के बाद में इसको अच्छे से सिलबट्टे पर पीस भी सकते हो। तो ये हमारा मसाला भी तैयार है, और लौकी को हम इसी तरीके से डाल देंगे क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने लौकी को डाल दिया है इसमें, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने लौकी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो लौकी को अच्छे से मिला देने के बाद में हमें इसे 1 घंटे के लिए इसी तरीके से रेस्ट पे छोड़ देंगे इसे। उससे क्या होगा कि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बनाते ही नहीं परोसना है इसे, वैसे तो ये बनाते ही परोस सकते हैं, लेकिन उतना स्वाद नहीं आएगा इसका। 1 घंटे बाद हम इसे एक अच्छे से स्वाद ले पाएंगे हम इसका। तो 1 घंटा हो गया है और हमारा रायता बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।